ते अदल करे ते ओ थर थर। बड़ी ठंडी हवा चलनी ने पी माशाल्लाह, बड़ा सोहना और बड़ा प्यारा खूबसूरत मंजर है। तुसा तक नहीं पे सूरज भी लाइव नशे तवन राज्य पे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सब तो पहले देखने वाले सारे दोस्तों पे उपरा के अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद कर सी देखने वाले सारे दोस्तों पर ठीक ठाक हो सो, अल्लाह ताला ने हिफ्ज़ो अमान चो सो। और बिल्कुल जनाब आज दोबारा ड्यूटी पर जाना शुरू कर सा। ईद तो गुजरी गई जनाब, रमज़ान गुजरी गया, रमज़ान तो बाद जनाब ईद भी गुजरी गई और ईद तो बाद जनाब आज दोबारा ड्यूटी पर जा सा। सुबह सुबह का टाइम है तो सब तो पहले मौसमी सूरत हाल दसने, उस तो बाद आज ने दिन जो रूटीन बनती है इंशाल्लाह तो शेयर कर सा। मौसमी सूरत हाल तक तो आसमान माशाल्लाह अल्लाह पाक ने हुक्म नाल आज साफ है, आज कोई चाड़ नज़र नहीं अचना पिया, बिल्कुल आसमान साफ है। ऐसा तक हो अगर तो सूरज भी सही आज अपने आप उताब बिच है। उस तो बाद जनाब यह फसलों की सूरत हाल चेक करो, ये जनाब ये मौसमी सूरत हाल। बाकी इंशाल्लाह तुसा की मजीद आज दिन रूटीन दसा। बिल्कुल फाइनली मैं मौजूद हाँ जी मंगला डैम के किनारे पर। आज आपने मंगला डैम क्योंकि बड़ा शोर शराबा सुनना पाया, रमज़ान भी सुनिया उन भी जी ट्रैक्टर का मेला जी। बिल्कुल जनाब अज इस हवाले न आया सा मंगला डैम पर। मैं आके जरा मेला लगा वा ना मैं रमज़ान ही दसी सकिया हाँ। रमज़ान तो बाद फिर वो सारे यूट्यूबर भाई है जनाब काजी कंवर साहब, उन्हें कल एक लाइव सी वीडियो उसने जो उन्होंने व्यू दसिया से कि काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्टर कलते से और रेत भरने से पे। तो मैं आज उला के मैं भी अपने तकने वाले कि ट्रैक्टर का मेला दसा क्योंकि रमज़ान काफ़ी ज़्यादा रेत कढ़ी ने उसने हवाले कि कोई मैं व्यू ना कराई सकिया। और उस तो बाद दोबारा फिर कोई मेले लगे है तो जुला अज अपने तकने वाले दसा, लेकिन इतना कोई खुशका ही लगना इधर तो कौन ही कोई ट्रैक्टर आए दसने। तो लेकिन फिर भी तुसा की कोई दसने जुलने जितने कोई रेत बगैरा कड़ने से फिर उस एरिए तुसें दसने सूरत हाल। तो बाकी जितनी भी हो सकनी मंगला डैम ने हवाले अज तुसा की सूरत हाल दसा। है तो जनाब इतना की सकने रेत बगैरा तो काफ़ी ज़्यादा इतना है सट्टी ने, लेकिन ये जनाब कोई रमज़ान ने दिनों में जी ना कड़ी सी रेत जदू निकली सी पी क्योंकि उस टाइम तो मैं ना आई सकिया रमज़ान तुसा की व्यू ना कराई सकिया। लेकिन रमज़ान तो बाद अज मैं आया सा क्योंकि कल भी वीडियो तक किसी जनाब काजी कमर साहब ने कि रेत निकली पी डैम चो। अज उस हवाले नाल मैं दोबारा आया हूँ, मैं अपने तकने वाले की दसा कि रेत जितों निकली उस जगह पर जुलसा विजिट करा सा तुसा की। लेकिन अज जनाब इतें ए तक ही सकने हो कि मंझा चरनिया पियाँ, बाकी ट्रैक्टर एक मौजूद है तो रेत तो अज कौन ही निकली पी, लेकिन उस जगह पर जुलिया जितों रेत निकली सी पी वो तुसा की उस जगह ने व्यू कराने कि असल वजह दस कि क्यों रेत नहीं निकली पी। अब साढ़े बड़े प्यारे भाई है उस्मान मुगल साहब ये इतना मौजूद है, इन्हों को दो शार सुनसा सैफल मलूक ने। ए वारो वारी ए सब ने जाना सबदा कबड़ ठिकाना ते माँ प्यो अपने इत्थे राजी कर लो ते जन्नत जिस ने जाना ते माँ प्यो अपने इत्थे राजी कर लो ते जन्नत जिस ने जाना। भाई पाइयां दे भाई पाइयां दे ओ दर्दी होंदे पाई पाइयां दिया बावां ओ बाप सिरां दे ओ ताज मुहम्मद ते मावां ठंडियां चावां बाप सिरां दे ओ ताज मुहम्मद ते मावां ठंडियां चावां। उस्मान साहब हुण तुसां कोल दो शार जिहड़े ना उह असां डैमे दे किनारे पर जुलदे सुणसां, हुण तुसां साडे नाल जुलो मजीद असां अपने तकने वाले कि वह जगह दसां जिथों रेत निकली सी और जनाब उस मुकाम पर तुसां कोल दो शार उस
बिल्कुल जनाब, हूँ तुसा कि यह दसने पे ये रोड ये बनाई इसने जनाब पिछले साल। ये रोड है कि इसने ट्रैक्टर जाने नीचे रेत कड़ने वास्ते, तो इसकी जगह की आने ठंगरी। ये बिल्कुल मल्ला राजगान ने नीचे जो जगह आया वो या इसकी ठंगरी आ गया जाना। हूँ इतना काफ़ी ज़्यादा थोड़ी चिक्कड़ भी दिखना होगी क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई इस वजह से। और बाकी जनाब रास्ता बनाया इसने पिछले साल, इस साल इसकी इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया ने रोड कड़ने के हवाले। बाकी हूँ इस रास्ते पर नीचे जुलसा जिस जगह रेत कड़ने लगे वो जगह कटने पे क्योंकि पानी आने से ऊपर आई गया, इसकी वजह से रेत दिखना बंद हो गई। बाकी बिल्कुल जनाब हूँ तुसा कि ऐसा रास्ता दसने पे ऐसा करीब आई गई तो रेत दिखी थी। ये उपर अगर आबादी पर दसो जी मता नहीं आबादी अक्सर सारे ब्लॉग सुन सकने होने हो जनाब। अगर कैमरा सारा ना हो तो उसने वास्ते बाद रोड इस तरीके नहीं है। रोड अगर साफ होनी फिर से वीडियो साफ बना है क्योंकि रोड ही खराब है इस वजह तो अगर कैमरा ना हो तो उसने वास्ते बाद रहा। बाकी ये लाई लेने पे लाई लेने तो बाद नीचे अगर जो सब तक रेत है निकली थी उसकी तो फिर अगर वो जगह आया जो रेत निकली थी वो भी तुम की दसा। माशाल्लाह जनाब है ट्रैक्टर ट्रैक्टर ही कि नौ ये हूँ भाई और जे रेत करने पे उपर थे जी जनाब नीचे रेत थी वो जितना खत्म होने रेत उपर ही वापस करने थे जनाब। पानी उपर आई गया तो रेत निकली बंद हो गई पानी अब फाइनली असं उस जगह पर आई गए जिथे ये बेले से जितू रेत निकली सी पई। हूँ तुसा कि दसने जगह इतने आई गया जनाब ये पानी, इस पानिया ने अंदर से बेले जिसने चू निकली सी पे रेत। ये नाल जनाब सो तकी सकने हो कि रेत काफ़ी ज़्यादा पई भी। ये वो रास्ता आ कि जिस रास्ते पर हुई तो उपर अचने से तुसा कि व्यू करासा बैक कैमरे पर भी। बाकी हूँ नीचे जुले और जगह तुम्हें दसने जिस जगह रेत निकली सी और इस जगह पर आई गया पानी और बड़ी हवा ठंडी ठंडी माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत और बड़ी प्यारी लग रही है। कह सकनी हो कि पानी ऊपर अचना शुरू हुई पिया है नीचे जड़ी सारा एरिया दिसना सी ना इस एरिया विच बेले निकते से। मैं तुसा कि रमज़ान शुरू होने तो एक दिन पहले जड़ी वीडियो में बनाई सी उसने दसिया सी कि इस जगह पर बेले निकते और इतू रेत निकल सी और वाकई जनाब रमज़ान इस जगह पर रेत निकती है और काफ़ी ज़्यादा रमज़ान मसरूफियत होने की वजह तो। और मैं बिलखसूस सारे को माजरत भी कर सा कि असने तू मंगला डैम चु रेत निकली रही और मैं तुसा कि अपने इस चैनल नुमान शौकत ब्लॉग पर व्यू ना कराई सकिया उसने वास्ते माजरत। बाकी ये जी नीचे सो जगह जी तकनी हो इतू निकली सी पे रेत ए जहाँ रास्ता तकनी हो पे इस रास्ते नाल ही पानी आई गया और इस रास्ते पर बड़ी मुश्किल ना ट्रैक्टर उपर अचने होने क्योंकि पिछली दफ़ा भी असा जो रेत निकती सी असा वीडियो बनाइया से तो इस जगह पर बड़ी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने से ट्रैक्टर क्योंकि लोड होया वो चढ़ाई है और चढ़ाइए पर गया ट्रैक्टर उपर चान जाना से। तो इस दफ़ा भी तुसा कि जनाब स्पेशली काजी कमर साहब एक दो दफ़ा वीडियो बनाई है उस तो बाद जनाब उसामा साहब है उन्होंने भी एक वीडियो बनाई सी लेकिन मैं ना आई सकिया तुसा कि वीडियो दसने वास्ते। बाकी ये जगह सारी जनाब होगी कवर क्योंकि पानी हो गया ऊपर और बेले सारे ही तकी सकने हो कोई बेला उसकी नज़र नहीं अचना और इसने हो ही सकना अगर पानी नीचे गया दोबारा बेले निकलन लेकिन उन चांस को नहीं क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा अवर हो गया इसी वजह तो उन पानी ऊपर ही ऐसी उन पानी नीचे नहीं जान लगा और यह चढ़ाई है जनाब जिसने ट्रैक्टर उपर चढ़ जाने। बाकी जनाब साढ़े नाल उस्मान साहब मौजूद है बाकी एक दो इन्ह को असा और मजीद सैफल मलूक ने अशार सुन सा वह भी तुसा कि दसा हूँ बिल्कुल जनाब वो पानिया कोल जुल सा और उत्थे जनाब इन्ह को ठंडे माहौल ठंडी आवाज इन्ह को सैफल मलूक ने अशार सुन सा। फाइनली असा पानिया कोल आई गया बड़ी ठंडी आवाज़ चलनी ने पी माशाल्लाह बड़ा सोहना बड़ा प्यारा खूबसूरत मंजर है तुसा तकनी पे सूरज भी गुरूब होने ने करीब करीब है शाम ना टाइम है मगरब ना टाइम होने लाया तो बाकी नाल ही जनाब हूँ असं उस्मान साहब के रू सुनने हैं जी सैफ मलूक ने अशार जी बिस्मिल्ला। मुल्कां विचों
मुल्कां विचों ओ मुल्क है सोना ते जिस दा नाम कश्मीर खड़ी वे मुल्क विच वसने वाला उते दमनिया वाला पीरे खड़ी वे मुल्क विच वसने वाला उते दमनिया वाला पीरे ते अदल करे ते ओ थर थर कंबल ते उचिया शाना वाले ते फजल करे ते ओ बख्शे जावन ते मैं वर्गे मुकाले ओ फजल करे ते ओ बख्शे जावन ते मैं वर्गे मुकाले सदान बागे ओ बुलबुल बोले ते सदा न बाग बहारा ते सदा न मापे ओ खुशन जवानी ते सदा न सोबत यारा सदा न मापे ओ खुशन जवानी ते सदा न सो बतियारा ते ले ओ यार खवाले रब दे ते मेले चार दिना दे ते उस दिन ईद मुबारक हो से ते जिस दिन फेर मिलांगे जनाब फाइनली हुन तुसां कोल इजाजत कि सा मैं शुक्रिया अदा करना जनाब उस्मान मुगल साहब ना के जिन्ना साढ़े वास्तै टाइम कढ़िया जी बड़ा अपना कीमती टाइम कड्डी साढ़े नाल इत्थे मौजूद है असं इन्हों शुक्रिया अदा करने हैं और बाकी उम्मीद कर सा कि देखने वाले सारे दोस्तों भैन भरा कि साड़ी ये वीडियो आज नहीं पसंद आई उसी अगर पसंद आई है सारा चैनल सब्सक्राइब कर सो वीडियो की शेयर जरूर कर सो इंशाल्लाह असं मिल सा एक नए वीडियो नाल आपने मेज़बान नुमान शौकत की दियो इजाज़त अल्लाह हाफिज़।